हो गया सर। आपको मैं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं दोबारा दिव्यांगों की भर्तियों में किए गए एक महाघोटाले का रहस्योद्घाटन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। गंभीरता से लिया है और अभी हमने एक नोटिफिकेशन जारी की है, उसके अनुसार 1 जनवरी 1996 से लेकर और लगभग 26 वर्ष से भी अधिक का जो समय हो गया, इस समयावधि के तमाम विभाग, जितने 81 विभाग हैं हरियाणा सरकार के, जितने निगम हैं, जितने बोर्ड हैं, हरियाणा में भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी इसमें सम्मिलित है, भिवानी में ही है, इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकार और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन तमाम के अंदर जितना बैकलॉग बनता है, उस बैकलॉग को 31 मार्च 2022 तक निर्धारित करने के पश्चात आगामी सत्र के अंदर इसमें बजट में जहां हम प्रावधान करने जा रहे हैं, वहां भर्तियों का एक स्पेशल ड्राइव, विशेष अभियान दिव्यांगजन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह रहस्योद्घाटन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसके अनुसार लगभग 15,000 नई भर्तियां दिव्यांगजन के लिए निकलने वाली हैं, जो कि विभिन्न विभागों में, कॉरपोरेशन में, बोर्डों में निकलेंगी, और वो तमाम इस प्रकार की हैं जो उनकी पिछली सरकारों ने उन पर डाका डाला है। तो एक तो यह मैं आपके सामने जानकारी देना चाहता हूँ, चाहे वो रिटायर हो गया होगा या आज काम कर रहा होगा, तो आज की उसकी वेतन मांग, सैलरी और ग्रेचुटी और बाकी तमाम लाभों की गणना आज जिस स्थिति तक पहुंचेगा उस स्थिति तक होगी। और इसमें भी लगभग 5,000 कर्मचारी दिव्यांग जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, वे लाभान्वित होंगे। तो दूसरी मैं जानकारी आप लोगों के सामने यह देने जा रहा हूं। तीसरी जानकारी आपके सामने यह मैं देना चाहता हूं कि दिव्यांगजन के लिए पिछले वर्ष लगभग 38 करोड़ रुपया प्रांत में उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने वितरित किया था। इस वर्ष यह जो बजट है 75 करोड़ रुपया, लगभग दुगना यह हुआ है, जिसमें प्रत्येक जिले का हमने 3 करोड़ रुपया निर्धारित किया है, जो दिव्यांग जन को अपना काम काज खड़ा करने के लिए और 6% वार्षिक ब्याज पर मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक कोई गारंटर की आवश्यकता भी उसको नहीं होगी, 1.5 लाख के ऊपर गारंटर की आवश्यकता होगी। तो इसके अलावा हमने हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी जो पलवल में है, फिलहाल गुरुग्राम से काम कर रही है, उसमें 2 पाठ्यक्रम इस आने वाले सेशन से हमने प्रारंभ कर दिए हैं, जिनमें एक फिटर का है, जिसमें दिव्यांगों की 50 पोस्टें फिटर के लिए रहेंगी, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद और इसके साथ बावल भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ औद्योगिक लोगों की बड़ी भारी तादाद में आवश्यकता है। इसके अलावा 50 सीटें हमने हार्डवेयर के मैकेनिक के लिए, ये दिव्यांगों के लिए आरक्षित की हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमने इसमें प्रयास किया है कि जो परिवार पहचान पत्र में 2 लाख से कम जिनकी आय है, ऐसे परिवारों से जो संबंधित दिव्यांग हैं, उनको हम अधिमान देंगे, प्राथमिकता देंगे। एक यह आपके सामने जानकारी देनी है, एक जानकारी और देनी है चाहिए थी, एक यह किया है। दूसरा हमने एक और काम किया है कि जो लोग उसमें भर्ती थे 96 से पहले थे या 96 के बाद भी हुए, उनको आज तक प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उसके वो हकदार हैं। 3% का अधिकार उनका प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का अधिकार है। भारत सरकार ने कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 27% आरक्षण बैकवर्ड के लिए नीट के अंदर दिया है और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया है। इसके अनुसार ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से भर्तियों की अनुमति प्रदान की है, पीजी के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अनुमति प्रदान की है,
ठीक इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी प्रमोशन में रिजर्वेशन था दिव्यांगजन के लिए, लेकिन वो रिजर्वेशन भी 1996 से प्रदान नहीं किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी 22/12/2021 को एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, ड्राफ्ट का सर्कुलेशन किया गया है, उसके अनुसार 10 जनवरी अर्थात आज से दो दिन बाद तक 10 जनवरी तक उस पर कमेंट्स और सजेशंस मांगे गए हैं, और इसकी निश्चित रूप से हम 31 जनवरी से पहले पहले एक नई नीति निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके अनुसार तमाम दिव्यांगजन को और प्रत्येक काडर के पर, और केवल सी और डी में अभी तक भारत सरकार दे रही है, और मैं आपको ये भी बता दूं राजस्थान सरकार ने अभी केवल 3 दिन पहले नौकरियों में और रिजर्वेशन दोनों प्रमोशन में 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी की है। पंजाब सरकार ने 2011 से जारी किया है, दिल्ली सरकार ने 2017 से जारी किया है, हरियाणा सरकार भारत में अकेली ऐसी सरकार है जो अपने दिव्यांगजन कर्मचारियों को 1 जनवरी 1996 से प्रमोशन के अंदर 3% रिजर्वेशन देने जा रही है, और वो भी बैक से देने जा रही है। अर्थात आज 2022 में बात कर रहे हैं, पीछे से ही ये लाभ मिलेगा। हाँ ये ठीक है, नोशनल में सर्वे करेंगे, जितने भी आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ग्राम सचिव हैं, इनके इनको साथ लेकर के, और हमारी जिला परिषद और सीएम इनकी टोली बनाकर इनके मार्गदर्शन के अंदर हर गांव में जो इस प्रकार के दिव्यांग हैं जो छिपे बैठे हैं, या माँ बाप ने उनको अपनी नीति मान लिया है, या दिव्यांग ने भी अपना भाग्य मान लिया है, ऐसे तमाम दिव्यांगों तक अप्रोच करेंगे, उसके लिए एक इश्तेहार छाप करके उनके पास जाएंगे, उनको उसके पास बैठ करके उसको निकट के हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे। अब हरियाणा सरकार ने सभी उपमंडल हॉस्पिटलों में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना तय कर दिया है, अभी तक केवल जिला केंद्रों पर होता था जहां बहुत भीड़ होती थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमने प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक का समय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ साथ यूडीआईडी कार्ड, अगस्त 2022 से तमाम दिव्यांगों की सुविधाएं यूडीआईडी कार्ड से जुड़ जाएंगी। किसी के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा तो उसको सुविधा बंद हो जाएगी, इसलिए एक टारगेट दिया गया है पूरे भारत के अंदर अगस्त 2022, तो उसके 3 वर्ष पुराने जितने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैं उन सबको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नए सिरे से बनवाना है, उसके साथ ही यूडीआईडी कार्ड भी बन जाएगा। अब हमने ये भी सुविधा प्रारंभ की है कि उनको सीधा हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में पहले वो पंजीकरण करवाए, उसमें अपना आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र, अपना फोटो, अपनी दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ फोटो, कोई हाथ का है पैर का है जहां का भी उसका है, मानसिक दिव्यांग है तो स्वाभाविक है उसका फोटो नहीं आ पाएगा उस तरह का, तो वो तो सामान्य फोटो होगा, अन्यथा कोई दिव्यांगता इस प्रकार की है जिसमें अंग कोई अंग भंग है उसका, तो उसका फोटो भी वो लगाएगा। तो ऐसे 3 डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ही उसका पंजीकरण हो जाएगा, हॉस्पिटल के वेबसाइट के ऊपर वो परिलक्षित होगा, और हॉस्पिटल के द्वारा फोन किया जाएगा उसको कि किस तारीख को आपने तुषाम आना है या भवानीखेड़ा आना है या भिवानी आना है, जहां उसको या लोहारू आना है, जहां भी उसको आना है कितने बजे आना है, ताकि उसको धक्के भी ना खाने पड़े, और एक ही बार वो आए और उसी दिन उसकी असेसमेंट होगी, उसका मापतोल होगा, और मापतोल होने के बाद और फिर उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा, 40% से ऊपर बनता है उसके लाभ प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी मोटी मोटी जानकारी जो अपडेट थी वो आपके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के पास जाए, यह मैं आपके बीच में बताने के लिए आया था। इसके अलावा सुगम्य भारत योजना को बहुत का आदेश था, उस समय एक मॉडल संस्कृति स्कूल डिफेंस कॉलोनी जींद के प्राचार्य ने वहां के एक दिव्यांग प्राध्यापक को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्रदान नहीं की, और वो सरकार की हिदायतों के अनुसार घर पे रहा, उसने लिखित में सूचित किया। उसके 4 मास का जो डिसेबिलिटी अलाउंस है, जो भत्ता हर दिव्यांग कर्मचारी का अधिकार है, जो लगभग 10% उसका बैठता है, वो नहीं दिया। उसका कड़ा संज्ञान लेने के पश्चात उनको भी जब पालन उन्होंने नहीं किया तो 10,000 रुपये का जुर्माना प्रिंसिपल के खिलाफ, 10,000 रुपया
जिला के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ और 10,000 का जुर्माना राज्य के निदेशक के खिलाफ अभी 5 तारीख को 3 दिन पहले लगाया गया है। इसी प्रकार से स्वतः संज्ञान लेकर के पिछले दिनों ये ध्यान में आया, मेरे सामने यहाँ 2 विशेष विद्यालय चलाने वाले प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। भिवानी का सौभाग्य है कि 2-2 विशेष विद्यालय यहाँ चल रहे हैं। ऐसे विशेष विद्यालय सरकारें बहुत कम चला पाती हैं। उसका कारण दूसरा भी है कि जो विद्यार्थी है, दिव्यांग है, वो सामान्य व्यक्ति के समान उसमें भाव आ सके और सामान्य विद्यार्थी उसकी कठिनाई समझ सके, इसलिए समग्र शिक्षा यह भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है, जिसके अनुसार जो विशेष विद्यार्थी हैं ये सामान्य स्कूलों में उनका प्रवेश होता है। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा में इस सत्र में जहां 6.5 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं, उसमें लगभग 25,000 दिव्यांग विद्यार्थी इन सरकारी विद्यालयों में उनका प्रवेश हुआ है। उसका कारण ये भी है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो दिव्यांग विद्यार्थी आता है तो जहां उसको स्टाइफंड मिलता है, वहां अगर नॉन अटेंडिंग है, कई बार शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि शारीरिक या मानसिक अवस्था भी ऐसी होती है कि वो विद्यालय ही नहीं आ सकता, चल के आने की स्थिति नहीं है, तो उनको हम 1950 रुपया पेंशन देते हैं। हरियाणा अकेला राज्य है पूरे भारत के अंदर जो अपने नॉन अटेंडिंग दिव्यांग विद्यार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने का भी कोई उसमें मामला नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि भाई झूठे सच्चे साइन हो गए और उनको पैसा नहीं मिला, तो उनके माँ बाप के नाम से वो खाता होता है जिसके अंदर वो पैसे जमा होते हैं। तो हरियाणा में ऐसे हमने अम्बाला के अंदर 5 एकड़ जमीन में सेक्टर 34 में 5 एकड़ हरियाणा सरकार को ने वो जमीन हमें दी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को, जहां 100 बेड का हम एक लाइफ सेंटर मानसिक दिव्यांगों के लिए एक जीवन केंद्र निर्माण कर रहे हैं, जिसका 38 करोड़ रुपए के आसपास बजट है। यह अगले वर्ष मार्च तक बनकर के तैयार हो ऐसा हमने टारगेट रखा है। इसमें अभी हम 100 से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा कुटैर गांव जो करनाल जिले में है, वहां की ग्राम पंचायत ने हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के बिल्कुल बगल में 15 एकड़ जमीन प्रदान की है, जहां सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक कंबाइन सेंटर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका 300 करोड़ रुपया बजट है। यह बजट पूरे का पूरा भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, और क्योंकि इससे दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की तमाम आबादी इससे लाभान्वित होगी, तो यह योजना भी हमने इसको अमल में ले आए हैं। इसके अलावा अपने हरियाणा प्रांत के 11 जिलों में हमने स्थान चिन्हित कर दिए हैं, जहां अम्बाला की तरह ही हम लाइफ सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिनमें भिवानी भी शामिल है। भिवानी में जो अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर जिला पुनर्वास केंद्र की जमीन है, अभी उसका क्योंकि डाइंग कार्डर के अंदर उसका नाम था, जब मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने आपके सामने जानकारी दी थी कि उसके रिवाइवल के लिए प्रयास चल रहे हैं। अब इस प्रकार की योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है कि वहाँ हम मानसिक दिव्यांगों के लिए एक सेंटर का निर्माण करें, ताकि जो बहुत बड़ा जिला हमारा भिवानी है और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर दिव्यांग हैं। इस समय तक हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 11,000 पेंशनर हैं भिवानी जिले में। पेंशनर का अर्थ है जिनको 40% से अधिक दिव्यांगता है, तो वो सभी गांव में है। 11,000 के अलावा यहाँ पर 3,500 विद्यार्थी हैं जिनको हम स्टाइफंड अथवा पेंशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अभी हमारे नेटवर्क में नहीं है,